आज हमारे घर में आने वाले हैं मेहमान। बुरना बोला ना, तो बुरना आराम से बढ़िया बोला। आज तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। खूब कमाओ, करोड़ों कमाओ। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, अपने मंजल वाले ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज दिन एक नए ब्लॉग के साथ, तो आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भाई दूज है तो मनीषा प्रदीप का मतलब करते हैं भाई दूज, मैं नहीं करती क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं भाई दूज। और मनीषा तो जब से छोटी सी थी, जब से प्रदीप हुआ है, जब से वो भाई दूज का व्रत करती है उसके लिए। और बुरनो भी अभी तो देख काची काची खाना चाहिए। अरे तो आज तो भाई दूज खाना नहीं मिलेगा बच्चे को। नहीं मनीषा, जब तक पूजा पाठ नहीं करेगी जब तक खाना नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, पीछे पड़ चुका है, बोल रहा है कुछ खाने के, तो मैंने मखाने बनाए मेरे लिए, तो ये बोल रहे मेरे को दे। तो चलिए मैं पी लेती चाय, फिर मिलते हैं आप लोगों से दिन की एक्टिविटी के साथ जो भी होगी। अभी मनीषा प्रदीप उठे हैं तो अभी नहा धो के तैयारी करेंगे, फिर मिलते हैं आप लोगों से। फ्रेंड्स, तो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और बच चुके हैं 10:30। नाश्ते की, खाने की तैयारी भी शुरू कर रखी है मैंने। आज हमारे घर में आने वाले हैं मेहमान, मतलब कि मेरी छोटी नंद आएगी, उनका लड़का आएगा मम्मी को ले जाने के लिए। मम्मी जा रही है 5-10 दिन के लिए अपनी बेटियों के पास रुकने के लिए। बहुत दिन हो गए, 2-3 साल हो गए गए हुए। तो अभी सभी बोल रहे थे, बोले मम्मी मतलब माँ आ जा आ जा, तो वो बोले ठीक है दिवाली के बाद आऊँगी। तो दिवाली के बाद हो चुका है, तो आज आ रही है लेने के लिए, इसलिए जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर दिया। और आज है भैया दूज, और ठंड हो रखी है, देखो मैंने शॉल डाल लिया, बाल धो रखे हैं तो और भी ज़्यादा ठंड लग रही है। और अभी मैंने बताया भी था सुबह भाई दूज आज, तो भाई दूज की अभी मनीषा प्रदीप ने सफाई करके मतलब पोछा उछा लगा के, और अभी वो दोनों नहा लिए हैं, अभी वो करने वाले हैं पूजा। जब तक मैं खाना तैयार कर दूंगी तो मैं खाने में क्या बना रही हूँ वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को, और हो सकता तो हम अपने गेस्टों से भी मिलवाएंगे आप लोगों को। तो अभी बन रहा है हमारा ये हलवा जो कि मैंने तैयार कर दिया है, अभी इसको पकाना है हल्के हल्के आँच पे, दूध में भिगो के घी मिला के छोड़ दिया है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ खाना, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, हो जाएगा तब दिखाऊंगा आप लोगों को। तब तक मैं ला रही फटाफट, नहीं तो वो लोग भी आ जाएंगे जो मेहमान आने वाले हैं, और ये प्रदीप और मनीषा भी तैयार हो रहे हैं, मिलते हैं। जब तक ये तैयारी कर रहे हैं तब तक मैं ये फटाफट बना दे रही हूँ। वाह, हो चुका है, अभी बाकी की तैयारियाँ कर लेते हैं भाई। गाले बंद क्यों जाए, कैमरा ऑन होते ही सिंगर बने पर। ये तैयार हो रहे हैं, यहाँ पे कर दिया इन्होंने कबाड़ा, बना के छोड़ रखे यार, ये तरह होके खड़ी होगी है। और जल्दी जल्दी करो भाई भाई दूज, टाइम निकला जा रहा है, मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी जल्दी जल्दी। करती रहे करती रहे, अच्छा लग रहा है, कुछ कंटेंट आ रहा है सारे। क्या देखो इस साइड, मेरे मुंह पर चाहे कैमरा लगा दे। नहीं मेरे को दो, मेरे को दो। तो हेलो गाइस, हैप्पी भैया दूज एवरीवन, सभी अच्छे से सेलिब्रेट करो और पूजा पाठ कर लो सभी। हाँ चलो जल्दी से, हमने यहाँ पे सेटअप कर दिया है। चलो यहाँ पे थाली सेट हो रखी है, दीवा लगा लो जल्दी से। यहाँ पे बता रही क्या क्या रख रखे हैं इन लोगों ने। अरे ये मनीषा का बड़ा भी रील बना बना के इसमें डालते रहे, ये मिठाई बोलते हैं जिस दिस। ऐसे नहीं चलती माचिस से, सूट पर मत लगा दियो भाई, इसको आती है माचिस जलानी, ऐसे नहीं चलती साइड से। कुर्ता तो अलग करिए भाई, या अपना खुद, मेरा पेट गुड़ गुड़ कर रहा है। हाँ तो सुबह से भूखे हो भाई, 11 बज गए, बता 11:30। वाह दे, हमारे बच्चे इतने तेज हैं, 11:30 कर दिए ना, काम नहीं करें गाइस। पोछा भी हमने लगा दिया, 10 मिनट का काम है मेरा, फिर मैं जल्दी कर, ए जल्दी क्यों, जल्दी क्या कर, वो फ्रेम तो आने दे कैमरा। रील तो बना ले, रील को करना हूं हम दोनों को लेके बस।
दिख रहे हैं आप सब? मुन्ना भी आ रहा है, मेरी तरफ देखियो, ए महान और देखियो कैमरे में। दो भैया मेरे, भैया दूज की कदर करना। नाउ दगा गिव योर हैंड टू मी, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। वाह रील पूरी होने वाली है, मुझे सुन पा रहे हैं, ठोस दे पूरी। रुको ये तो दिए नहीं, 50 रुपए का नारियल में 500 रुपए देने पड़े। बस बुरना वगैरह आशीर्वाद नहीं मेरा, देखे ना पता भाई खाने की चीज मिले दूर नो रुके जागा ना ना दे बेटा, बार बार में मीठा मत दे। चाट जगह ये देखिए हमारे मेहमान आ चुके हैं, ये देखो भाई हमारे कितने दिनों बाद कितने दिनों बाद हमारे मेहमान आए हैं। मुंह चाट लिया तूने बुआ का गंदे। फिर फोन खातर फोन करना तर फोन ये दे रखे देख ले दादी फोन आ रहा था, दादी ने बोला मन तो बीर है पट्टा भरपाई देवी जान का चाम को सुती राजी हो रही है सारी बात बोल लगी तो मनीषा देख ले रिकॉर्ड करूं मैं जिते आए इसका यो दादी दादी जा बुनो आज दादी गई बुनो ओ दादी गई बुनो मेरी बुआ ऊपर ऊपर आ जाएगा मनीषा ऊपर आ जाएगा मनी बुनो दादी गई दादी ने बुला के लिया नुकन दादी बुला के लिया पार्लर मग शिशो मग देख के आओ दादी की शिक्षा है गेट खोल दो उड़े पहुंच जाएगा दादी उल्टी रुक ना जा क्यों सुन करे फिर सारे करो चिड़ा सही बात है यो सब तो बढ़िया है ये आशीर्वाद लिया कर
मिठा मुंह करे तो भी नीति तो बड़े बेटी तेरे भी कमाई के दिन देगा और चिपकला मनीषा सुधा चिपकला दादी जा रही है बुनो इससे का बुनो दादी जा रही है भाई बुरनो राजी कौन रहेगा बुरनो उदास हो जाएगा दादी बिना भाई बुरनो उदास होगा दादी बिना भाई यो उदास होगा और देखी जागी यो कोई भी चले सुनो आप सबसे ज्यादा किसको याद करोगे ना ए मनीषा देखे यो नु कसम ने याद करेगी दादी बुरनो बुरनो करेगा तेरी मम्मी की अलग करवाई अलग करवाई हमने हां रसोई में ओ इबे ठीक है ना आ जाओ फोटो खींच ले आ जाओ बुरनो उदास हो जाएगा भाई और सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन एक पे डाल दे चेहरा फोन जरूरत बाय दादी बाय बुआ बाय हेलो फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं 5:30 और थोड़ी देर पहले बनाई थी मैंने हाँ कैमरा ऑन हो गया आ गया उठ के चार पाई पे मैंने इसको कंबल उठा के बैठा रखा था बेड पे तो देखिए वो नमस्ते कर रहा है तो अभी इसकी दादी चली गई है इसकी दादी जिम्मेवारी मेरे को दे के चली गई है मनीषा की इसका खाने पीने का ध्यान रखना 4:30 बजे बनाई थी मैंने चाय और अभी हो चुके हैं 5:30 तो मैंने कट किया है इसके लिए मैडम के लिए फ्रूट क्योंकि दादी बोल के गई थी इसका ध्यान रखना तो अभी देखिए ये बैठे बैठे देख रही है व्लॉग और मैं इसके लिए लेके आई हूँ फ्रूट थैंक यू मम्मी यही है यही जिंदगी रहेगी मेरी अभी इसके आगे पीछे कभी ये इसको मैं चाय बिस्कुट दूंगी कभी इसको मैं फ्रूट काट के दूंगी और ये खाएगी मैंने मम्मी के लिए कल कुल्हड़ वाली चाय बनाई थी मस्त और वो भी किस शर्त पे इतनी आराम से तो मना कर रही थी किस शर्त पे हाँ मैंने मना कर दिया था मैं ठीक है ना अपना क्या बोली मैंने तो लस्सी पी ली मैं तो पीऊंगी नहीं बस मना कर दिया था फिर बना के लेके गई दे बुरनो वेट कर रहा है इसको भी कुछ खर्चा यही अपने आप ही खा लेगा तो फ्रेंड्स अभी हो चुकी है शाम क्या मतलब रात ही होगी 7 बजने वाले होगी तो अभी खाने का टाइम हो गया है और सारा काम मतलब अभी खाने का टाइम हो चुका है तो मैं अभी खाना बनाऊंगी चेंज कर लेती हूँ कपड़े और आज के व्लॉग का भी एंड करती हूँ तो आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय हंसते रहें मुस्कुराते रहें हमारे व्लॉग देखते रहें गुड नाइट